अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तारिक अहमद, हाज़िर हूँ एक और वाईफाई की हैकिंग ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह वाईफाई पीटीसीएल बीबी को हैक कर सकते हैं सिर्फ 30 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 30 सेकंड में आप वाईफाई पीटीसीएल बीबी को हैक कर सकते हैं। ये ट्रिक दोस्तों 100% वर्किंग ट्रिक है, आप इसे बिल्कुल भी झूठ ना समझें, क्योंकि अभी मैं आपके इससे सामने प्रूफ करने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में इससे भी बेहतरीन हैकिंग की ट्रिक्स अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी वाईफाई चेक करवा लूँ। ये दोस्तों तारिक जमील, ये मेरी वाईफाई है और ये पीटीसीएल बीबी की ही वाईफाई है। यहाँ पे आप चेक कर लें, मेरी किसी भी वाईफाई से कनेक्शन नहीं है। अब आते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है वाईफाई पासवर्ड रिकवर। इसे आप आसानी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप की सबसे ख़ास बात क्या है, इसके लिए आपको ना मोबाइल रूट करना पड़ेगा, ना ही आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत है। सिंपल से आपने इसे ओपन करना है और यहाँ पे जो वाईफाई आपने हैक करनी है पीटीसीएल की, आपने उस पर क्लिक होल्ड करना है। यहाँ पे कॉपी मैक एड्रेस पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसका मैक एड्रेस कॉपी हो गया। अब इसके बाद आप आ जाएं, वाईफाई ओपन कर लें। यहाँ पे आप देख लें दोस्तों, कोई भी वाईफाई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे आपने शो पासवर्ड पर चेक कर लेना है। यहाँ पे आप करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक होल्ड करें, यहाँ पे आपके सामने आएगा पेस्ट, आपने इस पर पेस्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब असल मेथड जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हमने करना क्या है, उसी के मैक एड्रेस से उसका पासवर्ड निकालना है। दोस्तों, इसका ये असल पासवर्ड तो नहीं होता, पर ये इस पर बिल्कुल ऐसे इस तरह समझे कि आप इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, इसे बाईपास कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट्स हैं आपने इन्हें कट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स आपने कट कर लेने हैं और ये जो बीच में डॉट्स हैं इन्हें भी आपने कट कर लेने हैं। और याद रखें, लास्ट में जो डिजिट होगा 8 है तो आपने, सॉरी 9 है तो 8 कर लेना है, 8 है तो 7, 7 है तो 6, मतलब जो भी डिजिट होगा उससे आपने एक नंबर डिजिट कम करके उसमें ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा एक और बात याद रखें, अगर लास्ट में डिजिट नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट है मसलन ABCD, तो आप उसे हैक नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, लास्ट में डिजिट होना लाजमी है। अब आपके सामने अगर हमारा यहाँ पे था 9 तो मैंने 8 कर दिया। यहाँ पे आप कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ। ये देखें दोस्तों, आपके सामने ये कनेक्ट हो चुका है, ये बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। अब इसे मैं दोबारा फॉरगेट कर लेता हूँ। हो सकता है आपको समझ नहीं आए या आपके जहन में कोई शक हो, आपके सामने इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराने वाला हूँ। आपके सामने है कोई भी वाईफाई कनेक्शन नहीं है। अब आते हैं हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ। इसे ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक होल्ड करना है, कॉपी मैक एड्रेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक होल्ड, कॉपी मैक एड्रेस, वापस आ जाना है वाईफाई की तरफ। यहाँ पे क्लिक शो पासवर्ड, क्लिक होल्ड पेस्ट। यहाँ स्टार्टिंग की जो 4 डिजिट्स हैं इसे आप कट कर लें और ये डॉट्स हैं बीच में ये भी कट कर लिए। लास्ट में जो 9 है तो मैंने कट करके 8 कर दिया। ठीक है दोस्तों, 9 है तो 8 कर लिया, अगर 8 है तो 7 कर लेना है। यहाँ पे आप कनेक्ट कर लें। देखें दोस्तों, बिल्कुल ही आसान सी ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है दोस्तों, आप प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वर्किंग ट्रिक है या नहीं है। अगर आपके सामने कोई मसला आ रहा है, आपसे हैकिंग नहीं हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके या पूछ सकते हैं इसमें क्या बात है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।